नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। खबरों की शुरुआत करते हैं और दिल्ली में आज ऑटो टैक्सी हड़ताल का दूसरा दिन है और अब यह हड़ताल सियासी जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। आज ऑटो टैक्सी यूनियन के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं और इस भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी शरीक हो रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में आज भी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं यानी रेडियो टैक्सी के खिलाफ ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियनों की हड़ताल जारी है। ऐप आधारित टैक्सी सेवा के विरोध से 20 से ज्यादा ऑटो टैक्सी यूनियन हड़ताल पर हैं। बता दें कि दिल्ली में करीब 85,000 ऑटो रिक्शा और 15,000 पीली काली टैक्सियां हड़ताल पर हैं और टैक्सी यूनियन पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐप से चलने वाली ओला और उबर कैब जैसी सेवा को बंद करने की मांग कर रही थी। ऑटो टैक्सी चालकों के मुताबिक ओला और उबर की वजह से ऑटो टैक्सी चालकों को रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। टैक्सी चालकों का दावा है कि केजरीवाल सरकार को बार बार शिकायत करने के बावजूद सरकार ने ऐसी कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। हड़ताल के चलते यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने चल रही टैक्सियों को हवा भी निकाली और उसमें बैठे यात्रियों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने ISBT रेलवे स्टेशन सहित कई स्टेशनों पर अतिरिक्त 300 बसों को तैनात किया है। आप ऐसा कीजिए, सड़क पे खड़े हो जाइए, मेरे साथ चलिए, अभी दिखाते हैं आपको। हड़ताल का कोई असर नहीं है, सिर्फ बीजेपी के गुंडे जबरदस्ती, आप देखिए अखबारों में फोटो छपी है उन लोगों की, डंडे लेके रोक रहे हैं। पुलिस को मैंने कल भी कहते परसों लेटर लिखवाया था, पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी है। कल LG साहब से बात की थी, उसके बावजूद पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है। स्पॉन्सर्ड स्ट्राइक कराई जा रही है और ऑटो वालों के खिलाफ कराई जा रही है। ऑटो वालों को नुकसान है इससे। वो मुद्दा कह रहे हैं कि ओला उबर को बंद करो, अगर तुम कहते गाड़ियां बंद करा दोगे तो लोग ओला उबर में फिर से जाएंगे और उनका बिजनेस बढ़ेगा। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मौजूद है, रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। रवि, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ज्यादातर ट्रेनों का आने का समय होता है सुबह, और इस वक्त क्या हालात हैं पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक पेच हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मैं प्री पेड बूथ पर खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड। प्री पेड बूथ पर ट्रैफिक पुलिस के लोग और कर्मचारी तो मौजूद हैं, लेकिन उसके ठीक सामने यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और क्योंकि लोगों को ऑटो या टैक्सी नहीं मिल रही है, और अगर वो कोई बुकिंग करवा भी रहा है तो यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से लोगों के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो फिर वो बाहर साइकिल रिक्शा का सहारा लें और बाहर जाएं, बस लें, या फिर अपनी निजी गाड़ी घर से बुलाएं। कितने देर से वेट कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। कोई ऑटो टैक्सी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अब क्या, फिर कैसे जाएंगे? अब देखिए कैसे जाना हो रहा है, अब तो कुछ मिल नहीं रहा है, सारे लोग हड़ताल पे हैं। अच्छा, 2,500 मांग रहे हैं। अच्छा, कहाँ के लिए? गुड़गांव के लिए। गुड़गांव के लिए कौन 2,500 मांग रहा है? अभी तो इधर ही लोग बोल रहे थे कि मैडम टैक्सी चाहिए, मैं बोली कि हाँ तो 2,500 दीजिए, छोड़ देंगे। अच्छा, ये काली पीली टैक्सी वाले? अब ये तो हमको नहीं पता है कि काली। कुछ कुछ लोग मिले बोले हैं कि 2,500 पे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अर्चना है। अच्छा, और भी लोग हैं साथ में आपके? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, तो इनके साथ सामान है, छोटा बच्चा, और इनका कहना है कि कुछ लोग यहाँ पर जो ऐसे लोग भी हैं कह रहे हैं कि 2,500 रुपया आप दे दीजिए और गुड़गांव तक छोड़ देंगे, तो ये भी ब्लैकमेलिंग भी हो रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल, दलाल टाइप के लोग वहाँ पे स्टेशन पर इस वक्त, खासतौर से वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं, सुबह ट्रेन से पहुंचे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन रवि, एक बात और भी जो कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बात आई थी, दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से, कि कुछ अधिकारी खासतौर से स्ट्रेटेजिक जगह जहां पे रेलवे स्टेशन है, ISBT है, वहां पर तैनात किए जाएंगे और देखेंगे इस तरह की वारदात ना हो। क्यों आपको अधिकारी इस वक्त मिला आपको जो परिवहन विभाग से खासतौर से वहां पर मौजूद हो? देखिए, अगर हकीकत की बात करें, जो दिल्ली सरकार ने दावे किए हैं वो उसका कहीं पर भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कि रेलवे स्टेशन पर मैं सुबह से ही मौजूद हूं, लेकिन कहीं पर आप देख सकते हैं कि जो लोग, जो यहां पर सवारियां हैं, हर कोई यहां पर परेशान है, क्योंकि लोगों को घर जाना है या दूसरी जगह जाना है या दूसरी जगह से उनको फ्लाइट लेनी है, और ऐसे में काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। ऑटो और टैक्सी जो चालक हैं वो अपनी मनमारी पर ही अड़े हुए हैं। अगर कोई टैक्सी आती भी है अंदर
सवारी को लेने के लिए, तो उसको नहीं आने दिया जा रहा है। अब रवि सिंह इस वक्त ये सवाल खड़ा होता है, रवि, तो उसके सवाल खड़ा होता है कि जब आपके पाप ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे, परिवहन विभाग सीधे नजर रखेगा, वो अधिकारी नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र का इल्जाम लग रहा है और जो 20 से ज्यादा यूनियंस जो हैं हड़ताल पे, अब ऐसी स्थिति में सरकार कहां है यह पूछना बहुत लाजिमी है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या है यह जानना बहुत जरूरी। देखिए ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि सरकार और ऑटो यूनियन है, वो दोनों के बीच में अहम की लड़ाई हो गई है। सरकार ये बार बार कहती है कि ये प्रायोजित स्ट्राइक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, स्ट्राइक का कोई असर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर बस अड्डे या फिर रेलवे स्टेशन पर निश्चित तौर पर नजर आ रहा है, जो लोग खुद बता रहे हैं कि उनको काफी दिक्कतें हो रही है। सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्ट्राइक का असर दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये ब्लेम कर रही है लेकिन ना कोई एक्शन ले रही है, ना उनकी मांगों को माना जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद जो सरकार से लगानी चाहिए, लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी या फिर लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा, जो कहा गया कि बसें यहां पर डिप्यूट की गई हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटो टैक्सी का जो ऑप्शन है वो बस नहीं ले सकता, उसका वैकल्पिक तौर पर बस के जरिए लोग नहीं जा सकते, भारी भरकम सामान के साथ में आते हैं, फैमिली के साथ में आते हैं, लोगों को अगर गुड़गांव जाना है या फिर द्वारका जाना है तो बस के जरिए नहीं जा सकते। तो ऐसे में अभी भी जो व्यवस्था है ट्रांसपोर्ट की वो चरमराई हुई है। दूसरा दिन जो हड़ताल का है, ऑटो यूनियन के लोग जो है आज केजरीवाल के घर पर भूख हड़ताल पर भी बैठने जा रहे हैं 11 बजे। जी शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। हम इस खबर पे लगातार अपनी नजर बनाए रहेंगे, आप एक बहुत अहम जगह रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, हम आपके पास फिर वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।